जय माता दी। और नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी जोया खान और इस वक्त हम मौजूद है नागपुर के ऐतिहासिक मंदिर आगाराम देवी मंदिर में। तो जैसे कि नवरात्रि का खूबसूरत सा पर्व चल रहा है और मंदिर भी खुल चुके हैं और भक्तों का तांता 7 तारीख से हर एक मंदिर में लगा हुआ है। तो उसी सिलसिले में हम जानने के लिए आए हैं कि आगाराम देवी में जो तैयारियां की गई है वो किस तरीके की हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है ये देवियों का पर्व है और 9 दिन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि आज आगाराम देवी जो ऐतिहासिक मंदिर है, जो पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में इसकी पहचान है, तो आज क्या क्या तैयारियाँ की गई है। इस वक्त हम मौजूद है आगाराम माता मंदिर के दरबार के सामने। आप देख सकते हैं कि दरबार को किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आगाराम देवी मंदिर जो है काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ये नाम पढ़ने से पहले माता जी का नाम नगर देवी के रूप में जाना जाता था। माता जी को नगर देवी के रूप में ही माता जी प्रचलित थे। पूरे महाराष्ट्र में माता जी की पहचान है और काफ़ी मान्यता है। स्वयंभू माँ कही जाने वाली एक माता है ये। और आप दरबार देखेंगे तो चांदी के द्वार से शुरुआत की गई है, लाल फूलों से सजावट की गई है, हर तरीके के फूल लगे हुए हैं, सजावट काफ़ी खूबसूरत तरीके से की है। आप देख सकते हैं कि माता जी की जो श्रृंगार है, साज श्रृंगार जो काफ़ी खूबसूरत तरीके से किया गया है, मोर पंख से लेकर हर तरीके के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। और हम बात करते हैं इतिहास की, तो हम पंडित जी से ज़रूर इस माता जी के इतिहास को जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि माता जी का इतिहास क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो माता जी को दिन रात सेवा देते हैं पंडित जी, तो हम पंडित जी से यही जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि माता जी जो है आगाराम देवी जो है इनका नाम पहले नगर देवी के नाम से जाना जाता था, तो इसका इतिहास क्या है। ये भोसलेकालीन मंदिर 300-350 साल पुराना, और भोसले महाराज जब भी कोई बाहर कोई आक्रमण के लिए वगैरह जाते थे तो पहले जाना यहाँ से ही जाते थे, आते वक्त भी यहाँ आते थे। और भोसले महाराज का कोई भी शुभ काम रहा तो पहले पूजा चढ़ाने यहीं आते, बाद में जाते थे। और ये कई सारे ग्राम देवता करके ये सब जंगल था यहाँ पे, वहाँ से तालाब के बाद इधर ही पूरा मंदिर जंगल ही था, तब से चल रहा हूँ मंदिर। वहाँ उनका फिर से मंदिर था पीछे में, अब नहीं है वहाँ। तो ये फिर भी इस मंदिर को कितने वर्ष हो गए, कितना ऐतिहासिक, कितना पुराना मंदिर है? पक्का तो मालूम, लेकिन 300-350 साल तो पुराना मंदिर है, जंगली था उसके तब से पहले मंदिर है, सिर्फ छोटा सा मंदिर था पहले, ये बाद में बनाया था। तो जैसे कि आपने सुना कि काफ़ी ये मूर्ति जो है महिषासुर मर्दिनी की है, तो आगाराम सेठ ने उनका बगीचा नाम था इसलिए उनका आगाराम सेठ नाम लग गया। तो महिषासुर मर्दिनी भोसले महाराज का मंदिर है, तब से मंदिर है। नगर देवता भी बोलते, कोई नाग देवता भी बोलते इनको पहले से। तो जैसे कि आपने सुना कि माता रानी जो है नगर देवी के रूप से प्रचलित थे और काफ़ी मान्यता है आगाराम देवी की पूरे महाराष्ट्र में, काफ़ी ज़्यादा भक्त दूर दूर से आते हैं इनके दर्शन के लिए, यहाँ मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है। अब हम बात करें कोविड नियमों की, तो आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है काफ़ी कम नज़र आ रही है। कोविड नियमों का काफ़ी सख्ती से पालन किया जा रहा है, शुरुआत से सैनिटाइज़र और जो पहचान पत्र है वो अनिवार्य है, 2 डोज के जो पत्र है वो भी अनिवार्य किए गए हैं, काफ़ी सख्ती से यहाँ पालन किया जा रहा है। भक्तों का भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, और क्या चाहिए। नवरात्रि के इस पर्व पे भक्तों खुश ज़रूर है क्योंकि मंदिर के पट खुल चुके हैं, लेकिन एक सुरक्षा के, भक्तों की और जनता की सुरक्षा के मद्देनज़र जो नियम लागू किए गए वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी सही तरीके से उसका पालन किया जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि शुरुआत में ही पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्ती से पालन, जो अनुशासन है उसको पालन, उसका पालन कर रहे हैं। आगाराम देवी जो है गणेश पेट स्थित ये मंदिर है, यहाँ की अखंड ज्योत काफ़ी प्रचलित है, तो हम अखंड ज्योत के बारे में ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अखंड ज्योत की शुरुआत कब से हुई और इसका क्या मतलब है और क्या इतिहास है अखंड ज्योत का। ये देवी हमारी नगर कुल स्वामिनी है, ये अखंड ज्योत जो है इस, अब ये देवी की जो स्थापना है, ये मंदिर 300 से 350 साल पुराना है, और सबसे पहले ज्योत यहाँ पे जो जलती थी वो हमारे जो शासक थे
नागपुर के गौंड राजा, उनकी ज्योत यहाँ पे जलती थी। बाद में धीरे धीरे लोगों की आस्था यहाँ पे बढ़ती गई और एक से दो, दो से ग्यारह, ग्यारह से इक्कीस, इक्कीस से, और आज हम करीबन 5000 ज्योत तक पहुँचे हैं। कोरोना के कारण हम यहाँ पे सामूहिक एक सभी साथ में ज्योत नहीं जला पाए, पर एक सामूहिक सभी के इससे हमने यहाँ पे ज्योत जलाई हुई है। क्या आप यहाँ पे काफ़ी वर्षों से सेवा दे रहे हैं, आपने अब तक क्या चमत्कार देखे, क्या ऐतिहासिक ऐसा कोई पल आया कि आप सच में आपने मान लिया कि माँ साक्षात है अभी भी? जब से यहाँ पे ट्रस्ट का निर्माण हुआ है उसी वर्ष से मैं यहाँ पुजारी की जो जवाबदारी है वो निभा रहा हूँ। जो ट्रस्ट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं और जो उसमें धार्मिक कृत्य जो होते हैं वो सभी मैं ही करता हूँ। उदाहरण देने के लिए मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँगा, वो एक नागपुर के प्रसिद्ध औषधि विक्रेता है जिनका नागपुर में बहुत बड़ा नाम है और आयुर्वेदिक दवाइयों के वो निर्माता है। आप उनका, मैं इतना आपको बोला आप समझ जाइए, उनका नाम मैं ले नहीं पाऊँगा। उनको पिछले साल ही फर्स्ट कोविड में कोविड हुआ था, ज़्यादा वयस्क होने के कारण वो काफ़ी घबरा गए थे, मतलब उनका एज जो है आज के तारीख में 75 के ऊपर था, पर माता के आशीर्वाद से वो केवल आयुर्वेदिक दवाई लेकर ही इस सभी गंभीर बीमारी से बाहर निकल गए। उसके बाद इन्होंने पिछले नवरात्रि में बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे ज्योत का किया था और पिछले साल का जो नवरात्र था उसमें ज्योत का पूरा खर्चा उन्होंने उठाया था। और काफ़ी चमत्कार है लोगों के, मतलब जो लोग यहाँ पे मनोकामना ज्योत जलाते हैं वो हर अभी यहाँ पे जब पूजन करने आते हैं, संकल्प छोड़ने आते हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़ें हमें बयां करते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाती है, किसी को बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है बच्चे ये हो जाते हैं, किसी का घर का प्रॉब्लम है घर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। काफ़ी समस्या जो है वो हमारी जो नगर जो कुलस्वामिनी है आगाराम देवी, उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद द्वारा वो उनके जो कुछ समस्या है उसका निवारण होता है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंदिर के अध्यक्ष, आगाराम देवी मंदिर के अध्यक्ष श्री गिरीश व्यास जी। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है 7 तारीख से पट खोलने का, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम बहुत आभारी हैं राज्य सरकार के कि उन्होंने शक्ति के पर्व में 7 तारीख को नवरात्रि के प्रथम दिवस पर, शारदीय नवरात्र पर यह मंदिर के पट खोले पूरे राज्य भर में, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। पर पट खोलने से भक्तों का प्रवेश अगर वर्जित है, उसके लिए अगर 50 नियम लगा दिए, तो इस पट खोलने का कोई अर्थ नहीं रहता, ये भी मैं शासन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमने बड़े प्रामाणिकता से सारे नियमों का पालन किया है। आप देख सकती हैं कि जहाँ हजारों की संख्या रहती थी कतार में, वहाँ आज 2, 1, 4, 5 ऐसे केवल यहाँ पर भक्त यहाँ आ रहे हैं, विशेष रूप से महिलाएं आ रही है। हमने बाहर बोर्ड भी लगाए हैं, शासन के नियम को पालन करो, पर इसका अर्थ है कि शासन ने कड़ाई से सारे मंदिरों के लिए ये करना चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ, मैं राज्य सरकार से माननीय जिलाधिकारी को आपके माध्यम से उनसे कह रहा हूँ कि मैं एक हिंदू होने के नाते, एक मंदिर का अध्यक्ष होने के नाते दूसरे मंदिरों के बारे में नहीं कहना चाहता, उचित नहीं, पर नियम सबके लिए एक होना,
आप अन्य मंदिरों में जाकर देखिए, कोराड़ी में देखिए, फिर लोग मुझे कहेंगे कि कोराड़ी में दर्शन हो रहे तो आप क्यों बाधा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भी मंदिर के लोग दर्शन करें, मेरी भी देवी यहाँ बैठी है, हम भी यहाँ सब सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं। यहाँ पर पुलिस के पहरे खड़े हैं और वहाँ सारे पुलिस मदद कर रहे हैं लोगों को जाने के लिए, ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। पार्टी के भवानी मंदिर में जाइए, यही स्थिति है, तो सारे मंदिरों को एक जैसा निर्णय होना चाहिए, नियम होना चाहिए, और यहाँ पे भी लोगों को आने के लिए इतनी कड़ाई से पालन ना करें। जनता को आगाह किया है, जनता को सूचित किया है, पर जनता अगर आना चाहिए तो उसको आने देना चाहिए, ऐसा मेरी पुलिस से आग्रह है, निवेदन है। DCP इस जोन के हैं, गणेशपेट के PI हैं, एक बार ज़रा चक्कर लगा के आइए वहाँ पर और ज़रा स्थिति देख कर आइए। रात को 10-11 बजे तक, मैं कल स्वयं गया था, 11 बजे तक क्या स्थिति है, कितनी भीड़, बच्चे भी आ रहे हैं, फिर क्यों। ये केवल आगाराम देवी मंदिर पुलिस स्टेशन के नज़दीक है, हम इतनी व्यवस्था करते हैं तो हम पर ही इस प्रकार का आघात क्यों। ये मेरी सरकार से अपेक्षा है कि वो इसका निर्णय, अष्टमी है, कन्या भोजन होगा, अब कन्या भोजन के लिए कन्या अगर मंदिर में नहीं आएंगी तो कैसे कन्या भोजन होगा। हमने सार्वजनिक महाप्रसाद तो बंद कर दिया, पर कन्या भोजन भी ना करें तो माता की पूजा कैसे होती है। ये अगर हमारे मुख्यमंत्री हिंदुत्ववादी को नहीं समझे तो इसको हम क्या कहें। ये निर्णय का स्वागत है, मंदिर खुला है, पर ये मूर्खतापूर्ण बंधन लगाए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कोविड के मद्देनज़र, कोविड को देखते हुए ही राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं ये नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि कोविड जो है अभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और उसका डर अभी भी है, तो उसी के चलते ये सब नियम लागू किए गए हैं, तो आपको क्या लगता है इसको? मुझे लगता है कि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और मैं हाउस में पूछूंगा भी कि पहले ये बताइए कि जब पहली लहर आई तो दूसरी लहर के बारे में क्या एहतियात आपने बरते। गांव सुने पड़े थे, आपने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, आज आपने शहर के अंदर पूरा मार्केट खोल कर रखा है, पूरा व्यापार चालू है, रात को दुकानें चालू हैं, रात को रेस्टोरेंट्स चालू हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। आप सड़कों पर जाकर भीड़ देखिए, महल में देखिए, बर्डी में देखिए, कहीं लॉकडाउन दिखता है, कहीं आपने रोका है लोगों को, फिर मंदिर में जाने से क्यों रोक रहे हो। ये क्या मद्दत, ये तो बेवकूफ़ी एक प्रकार की सरस है, तो नाकामी छुपाने की यहाँ पर है। तीसरी लहर की एहतियात मास्क लगाकर, डिस्टेंस रखकर, सैनिटाइजेशन का यूज़ करके ये तो करेंगे, वो तो करने का नियम है, वो करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने डब्बे बनाए, हमने सैनिटाइज़र रखा है, हमने लोगों का तापमान भी चेक कर रहे हैं। अगर आप दावा करते हैं कि इतना वैक्सीनेशन हो चुका है तो फिर डर किस बात का है, और वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना हो सकता है तो इस बंधन की ज़रूरत क्या है, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। तो सरकार केवल अपनी नाकामी छुपा रही है, लोगों को डरा रही है, और व्यापार खुला और सारा पूरा थिएटर आज आया कि 50% से थिएटर खुलेंगे, तो फिर जब ये हो रहा है तो मंदिर भी 50% से खोलो। नहीं आएंगे 10,000, 5,000 आएंगे, नहीं आएंगे 2,000, 1,000 आएंगे, पर आने तो दो। पुलिस पहरे में रोक रही है, वहाँ पर आने नहीं दे रही है, ये क्या न्याय है। तो ये सब शासन की जो भूमिका है वो संदिग्ध है, उनका खुला विचार नहीं है, स्पष्ट मत नहीं है, यही मैं कह सकता हूँ। नागपूरवरूनच आलेली आहे आणि आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे। सरकारचे जे नियम आहे ते खूप चांगले आहे आणि सर्वजण पालन करत आहे त्याचं। जय माता दी। ये जो सरकारने फैसला लिया है वो बहुत सही लिया है। कोविड नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है और इस दर्शन करने मिल रहा है हम सबको, इससे हम लोग बहुत खुश है। और यहाँ पर सभी कोविड नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। सरकार ने जो ये नियम लिया ये सभी के लिए अच्छा है, जिस सभी श्रद्धालु, सभी भक्ति करने वाले सभी लोगों को ये नियम से, ये फैसले से सभी लोग बहुत खुश है। धन्यवाद। मी भंडाऱ्याहून आली दर्शन करायला, मला खूप आवड होती माझं दर्शन करायसाठी, आली पण छान केलं, माझी सर्टिफिकेट होती, मी सर्टिफिकेट काढायला गेली, काढून आणलं प्रिंटवर ना, इथं दर्शन करायला आली, खूप छान वाटलं मला, खूप आनंद वाटला सरकारने हे केलं, छान गर्दी नाही राहत, काही नाही, व्यवस्थित चांगली व्यवस्था चांगली केली आहे।
छान वाटलं आहे, धन्यवाद. 2 वर्षाच्या नंतर माहीत दिसली, खूप छान वाटत आहे. हे व्यवस्था पण छान आहे. आम्हाला देवीच्या दर्शन सर्टिफिकेट काढून आणली, पहिल्यांदा वापस केलं. ते रागवलं आम्ही थोडंसं, म्हणजे माय एवढे दूरून यायचे आणि माई नाही दिसली ते वेगळं वाटते. तसे आपल्या आईवानीच वाटलं, छान वाटलं. मेरा नाम संजीवनी है और मैं पुणे से हूँ. मेरा ससुराल नागपुर में है. तो इट इज़ काइंड ऑफ, मन्नत तो यही मांगी है कि COVID-19 वॉज वेरी निगेटिव, तो अभी थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स है एंड सब कुछ अच्छा हो जाए. एंड द गवर्नमेंट विच इज टेकिंग एफर्ट्स इज लाइक गुड, सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं एंड रियली हैप्पी अबाउट दैट. माझं नाव प्रथमेश शेंगटवार आहे. मी जुनी मंगळवारी नागपूरलाच राहते. इतक्या दिवसापासून कोविड असल्यामुळे जे मंदिरं बंद होते, ते आम्हाला खूप चांगलं वाटतं की जे मंदिरं उघडले, धार्मिक स्थळ उघडले, जे कोरोनाचे नियम सगळे पाडून जे मंदिरं उघडले आहे, ते आम्हाला खूप चांगलं वाटत आहे. दर्शन एकदम व्यवस्थित होत आहे, सुरळीत होत आहे. म्हणजे पूर्ण कोविड रिस्ट्रिक्शनमध्ये सगळ्यांचं दर्शन होत आहे. आणि क्या प्रार्थना की करोगे आप, क्या प्रार्थना की है आपने? वही जो कोविड मुक्त हो जाए सब लोग, वही प्रार्थना, बस बाकी कुछ नहीं. तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज इस तीसरे दिन के पर्व पर हमने दर्शन किए गणेशपेट स्थित आगाराम देवी मंदिर का, जो काफ़ी ऐतिहासिक है, जो काफ़ी प्रचलित है. और इस देवी के मंदिर में काफ़ी दूर दूर से, हर शहर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं. और बात अगर हम कोविड नियमों की करें तो काफ़ी सख्ती से यहाँ पर कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है. भक्त काफ़ी अच्छे से प्रतिसाद कर रहे हैं हर नियमों का यहाँ पर पालन कर. यहाँ पर आप देख भी सकते कि भीड़ काफ़ी कम है. तो हर तरीके से राज्य सरकार के जो नियम लागू किए गए हैं, 7 तारीख से मंदिर खोलने की जो खुशी है, उसके साथ ही जो नियम है, उस नियम का हर तरीके से पालन किया जा रहा है. बस आज के इस पावन पर्व पर आपके लिए इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए दर्शन के साथ, एक नए मंदिर के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ जोया खान, नागपुर.